हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए ये थम सॉक्स बना कर लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इसको मैंने दो कलर में बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही इजी है ये बनाने में, और पहनने में ये बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए इस तरह से, देखिए इतना चौड़ा मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपना जो है ये बॉर्डर बनाएंगे सबसे पहले, तो उसके बाद हम ये वाला डिजाइन डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डबल धागे से 11 नंबर की सिलाई का हम यूज़ करेंगे बॉर्डर के अंदर, क्योंकि बॉर्डर हमें इसका टाइट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 11 नंबर की सिलाई में 49 फंदे डाल लिए हैं, क्योंकि ये मेरी देखिए नॉर्मल सी ऊन है। इस तरह से 11 नंबर की सिलाई से हम इसमें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम ये जो हमने उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाया है ये बनाएंगे। उल्टी साइड से भी हम उल्टा बनाएंगे और सीधी साइड से भी हम उल्टा बनाएंगे। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह ये हमारा सीधी साइड है और सीधी साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, उल्टी साइड से भी हम ये उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि कितना हमें ये बॉर्डर बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये लाइनें आएंगी हमारी उल्टी उल्टी बनती हुई। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमें 24 सिलाइयाँ यहाँ पे बनानी हैं। हमारी 12 लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी तो हमारा बॉर्डर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स उल्टी उल्टी बनाते हुए दोनों साइडों से ये हम 24 सिलाइयाँ निकाल लेते हैं और बॉर्डर बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, आप भी अपना बॉर्डर बना लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 लाइन जो है वो कंप्लीट कर दी, यानी कि हमारी 24 सिलाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हमारी अब 12वीं जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाइए इसकी रॉन्ग साइड पे। ये डिजाइन जो हमारा है सॉक्स का, ये हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होता है। ये वाला डिजाइन जो है, ये वाला हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होगा। तो रॉन्ग साइड से हम अपने कलर को भी चेंज कर लेंगे, ये जो हमने ग्रीन कलर लगाया है इसको भी चेंज कर लेंगे और अपना डिजाइन भी डाल देंगे। तो देखिए ये हमारे 49 फंदे थे, तो यहाँ पे हम 23 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो देखिए 23 फंदे हमने ग्रीन कलर के बना लिए हैं। अब ये जो हमारा बेसिक कलर था, ये हम इसके 3 फंदे बीच में बनाएंगे। तो देखिए 3 फंदे हम बेसिक कलर के बनाएंगे, धागे को हम इसके साथ साथ ही ले आएंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए 3 फंदे हमने पिंक कलर के डाल दिए हैं। अब वापस से ही 23 फंदे जो है वो 23 फंदे हम ग्रीन कलर से बना लेंगे। ये हमने उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। तो ये देखिए अब आगे हम अपने सीधी साइड पे, अब हम 1 2 वापस से ही ये 23 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे, यानी 49 के हमने जो है बीच के 3 फंदे रख के दोनों साइडों में हमने 23-23 फंदे कर लिए हैं। 3 जो हमने किए, ये हमारा यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब सीधी साइड से हम कुछ इसमें और डिजाइन नहीं डालेंगे, ये जो हमारा फंदे है ये हम आपको बताएंगे अब। तो ये देखिए धागे को इस तरह से आगे कर लेंगे क्रॉस करके, ये देखिए, ताकि अंदर से कोई जाली ना आए। पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस वाले से ये जो 23 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ये एक फंदा उल्टा किया है, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा किया है, जो बीच का फंदा हमारा सीधा है इसको हमें
ऊपर तक सीधा ही लेके जाना है। ये जो हमारा सीधा फंदा है ये हमारा सीधा ही रहेगा। अब पूरे उल्टे उल्टे फंदे ये बना लेती हूँ और उधर से भी मैं 23 फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए उल्टी सिलाई में यहाँ तक आ जाऊँगी, उसके बाद मैं आपको डिजाइन बताऊँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 23 फंदे ये उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए इस तरह से जो ये हमारा पिंक कलर का है, इस तरह से एक फंदा हम ये उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है तो हम बढ़ाएंगे एक फंदा। तो ये देखिए इस तरह से करेंगे हम, जो हमारा ये ग्रीन कलर है इसको इस तरह से उठाएंगे और एक फंदा हम इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए एक फंदा हमारा इधर से बढ़ जाएगा। फिर जो हमारा बीच का फंदा था सीधा, इसको हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, जो हमारा बीच का सीधा फंदा था उसके हम एक इधर फंदा बढ़ाएंगे और एक इधर फंदा बढ़ाएंगे, जो कि हमें उल्टी सिलाई में बढ़ाने हैं। फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब इस कलर से एक और ये पिंक कलर से एक फंदा और बना लेंगे। अब ये देखिए, बाकी सारे 23 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। उस साइड से भी हम उल्टे उल्टे बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाएंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, 23 फंदे हमने बना लिए हैं। अब हम आगे अपने डिजाइन पे, तो धागा ये वाला पीछे कर देंगे, ग्रीन वाला, पिंक वाला हम आगे ले आएंगे। पहला फंदा हम ये उल्टा है तो उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे कर देंगे, फिर ग्रीन वाला हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया है, धागा पीछे कर लेंगे। ये देखिए बीच वाला जो हमारा सीधा फंदा है इसको हमने हमेशा सीधा ही बनाना है, तो इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर धागे को आगे कर लेंगे और एक फंदा ग्रीन वाला उल्टा है, इसको उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, पिंक वाला आगे लेके आएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ग्रीन वाला लेके आएंगे आगे और बाकी 23 फंदे हम ये उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। बीच वाला सीधा आ गया, एक हमारा फंदा इधर बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया। तो ये देखिए जो हमारा ये डिजाइन है, ये हमारी जो डिजाइन है ये हमारा इस तरह से ये एक एक गली सी जो है ये बनती आएगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ से शुरुआत हो गई है। देखिए यहाँ पे हमारे फंदे भी बढ़ते जाएंगे और हमारा डिजाइन भी बनता जाएगा। ये हमारा डिजाइन जो है वो उल्टी साइड से ही बनता है, सीधी साइड से जो हमें फंदा जैसा दिखता है वैसे ही बना लेना है। सीधा वाला हमेशा सीधा बनाएंगे, इसके साइडों में हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर का बना लेना है। अब इस तरह से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड से भी ये 23 फंदे मैं उल्टे उल्टे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको डिजाइन में बताऊँगी कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन पर आ गए हैं। अब जो पिंक कलर का फंदा है इसको हमने पिंक कलर का ही बनाना है। इस तरह से क्रॉस करेंगे ताकि बीच में कोई जाली ना आए। फिर एक फंदा पिंक बनाएंगे, एक फंदा हमारा ग्रीन है, इसको हम ग्रीन बना लेंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारा सीधा फंदा है इसके ठीक इसके बराबर में ही हमें एक एक दोनों साइडों में फंदा बढ़ा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से एक बार हम ग्रीन का बढ़ाएंगे और एक बार हम पिंक का बढ़ाएंगे। तो पिछली बार हमने ग्रीन का बढ़ाया था, अब की बार हम पिंक का बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेना है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे जो हमारा सीधा है सीधी साइड से, फिर इसके बराबर में एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ये दो फंदे बढ़ गए हैं। फिर जो फंदा हमें जैसा दिखता हो वैसे ही बना लेंगे जिस कलर का। ये देखिए, अब सारे फंदे हम ग्रीन ग्रीन बना लेंगे, सीधी साइड से भी इसी तरह से बना लेंगे, जो फंदा हमें जैसा दिखता है वैसा ही बनाएंगे। सिर्फ बीच वाला जो हमारा फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ, फिर मैं आपको बीच में डिजाइन जो है वो बताऊँगी। जो साइडों के हमारे 23 फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा ही बना लेना है ग्रीन कलर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच वाले डिजाइन पे हम आ गए हैं। जो फंदा हमें जिस कलर का दिख रहा है वैसा ही हम बनाएंगे। तो देखिए, एक पिंक कलर का, एक हम ग्रीन कलर का बनाएंगे, फिर हम एक पिंक कलर का बनाएंगे, जो कि हमने ये उल्टा बनाना है, ये हमने फंदा बढ़ाया था। फिर जो हमारा सीधा फंदा है इसको हम सीधा ही बनाएंगे, धागा आगे कर लेंगे, एक फंदा और हम ये देखिए उल्टा बना देंगे, धागा पीछे, फिर एक फंदा हमारा ग्रीन है इसको ग्रीन बनाएंगे, धागा पीछे, फिर एक फंदा पिंक है इसको पिंक बना लेंगे,
फिर लास्ट के हमारे जो 23 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी देखिए कलीसी इस तरह से खिल गई है। तो सारे फंदे हम बनाएंगे उल्टे उल्टे। तो ये मैं बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने उल्टी साइड पे। यहाँ पे हमने डिजाइन डालना है। तो पहला फंदा पिंक है, इसको पिंक बनाने लगे। ये देखिए दूसरा फंदा हमारा ग्रीन है, इसको ग्रीन बनाएंगे। फिर एक फंदा पिंक है, इसको पिंक बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पिछली बार हमने पिंक कलर में डिजाइन डाला था, अब की बार हमने ग्रीन कलर में डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हम ग्रीन कलर का एक फंदा जो है वो बढ़ा लेंगे। यानी कि एक बार हमने पिंक में बढ़ाना है और एक बार हमने ग्रीन में बढ़ाना है। देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ा लिया, दो फंदे बढ़ गए, एक हमारा इस साइड पे और एक हमारा इस साइड पे। फिर जो फंदा हमें जैसा दिखता है वैसा ही बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। उल्टी साइड से भी ये 23 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे और बीच में हम आपको डिजाइन जो है वो दिखाएंगे। तो देखिए अब आ गए हम अपने सीधी साइड पे। तो देखिए इस तरह से ग्रीन वाला धागा हम पीछे कर लेंगे, पिंक वाला आगे कर लेंगे। जो फंदा हमें जैसा दिखेगा वैसा ही बना लेंगे। फिर ग्रीन, फिर हम पिंक ले आएंगे आगे, धागा पीछे करके ग्रीन आगे ले आएंगे। पिछली बार हमने ग्रीन फंदा बढ़ाया था, अब ये देखिए जो हमारा सीधा फंदा है इसको सीधा बना लेंगे। फिर ग्रीन फंदा बनाएंगे, धागा पीछे पिंक कलर बना लेंगे, धागा पीछे फिर से हम ग्रीन कलर बनाएंगे, धागा अपनी साइड फिर हम पिंक कलर बनाएंगे, धागा पीछे ग्रीन कलर आगे ले आएंगे और इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा एक डिजाइन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा शुरू हो गया है। ये देखिए एक डिजाइन हमारा, एक दो तीन और ये चार, चार लाइनों में हमारा एक डिजाइन आएगा। जैसे हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ये जो हमारी गांठें आती हैं यहाँ पे, एक दो तीन और ये चार, चार डिजाइन गांठ का हमारा ये डिजाइन है। जो हमारी ये कली एक बनेगी इस तरह से, ये जो हमारी खिलती है तो ये हमारे चार जो गांठें हैं इन चार चार की आगे बनती जाएंगी। आगे हमें जो डिजाइन है इस तरह से, इस डिजाइन को हम ऑफ कर देंगे यहाँ पे और ये अगला जो डिजाइन है इसको शुरुआत कर देंगे। तो ये हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी साइड में मैं आपको ये डिजाइन जो है आगे बताऊंगी और ये ऑफ करने भी बताऊंगी, ये वाला डिजाइन जो है। तो देखिए अब हम यहाँ पे इस डिजाइन को, जो हमारा ये डिजाइन था इसको ऑफ करेंगे पहले वाले को। तो ये वाला फंदा हम ग्रीन कलर का बना लेंगे। ये देखिए आगे हमारा ग्रीन कलर का ही है, इसको बना लेंगे। यहाँ से हम पिंक कलर जो है वो लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर हम ग्रीन बना लेंगे। ये देखिए फिर हमारा ये सीधा फंदा आ गया है। तो पिछली बार हमने ग्रीन कलर से बढ़ाया था, अब की बार हम पिंक कलर से बढ़ा लेंगे। तो ये इस तरह से ये देखिए फिर एक फंदा उल्टा, फिर हमने एक फंदा बढ़ा लेना है। तो एक फंदा बढ़ाया और यहाँ से हम ग्रीन कलर को बना लेंगे, फिर पिंक बनाएंगे, फिर ग्रीन बनाएंगे। ये देखिए जो एक ये वाला पिंक वाला फंदा है, अब इसको भी हम ग्रीन बना लेंगे। यहाँ से भी हमने ग्रीन बना लिया है एक फंदा, देखिए, और यहाँ से भी एक ग्रीन बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारा एक डिजाइन जो है वो बंद हो गया है, ये वाला हमारा शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आधा हमारा ये बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आगे के फंदे हम सारे उल्टे उल्टे बना लेंगे। सीधी साइड से भी ये बनाकर हम ले आते हैं बीच में, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला हमारा डिजाइन जो है वो ऑफ हो गया है। ये वाले जो डिजाइन की है ये हमारी एक और ये दो गांठें आ गई हैं। अब हम एक धागा, एक जो फंदा है इसको पिंक कलर में बना लेंगे, एक हमारा ग्रीन है इसको ग्रीन में बनाएंगे, बीच वाला एक और फंदा हमारा उल्टा है इसको उल्टा बनाएंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा हम ग्रीन बनाएंगे, फिर
एक फंदा हम पिंक कलर में बना लेंगे। आगे देखिए, ये हमारा डिजाइन यहाँ से ऑफ है, तो यहाँ से हम अब ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये हमारे 25 फंदे आ गए यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हर सिलाई में हमारे एक फंदा इस साइड पे बढ़ता है और एक फंदा हमारा इस साइड पे बढ़ता है, तो एक इस तरह से बनता हुआ नज़र आएगा हमारा डिजाइन जो है। अब ये हमारी तीन गांठें आ गई यहाँ पे, अगली बार हमारी ये जो उल्टी साइड में है ये हमारी चौथी गांठ होगी। ये मैं फंदे बना लेती हूँ 25, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से क्रॉस करेंगे और पहला फंदा ये हम पिंक बना लेंगे, फिर क्रॉस करेंगे एक फंदा ग्रीन बनाएंगे, फिर एक फंदा पिंक में बनाना है हमें। अब हमें ग्रीन में एक फंदा बढ़ा लेना है, तो देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर सीधा वाला फंदा जो हमारा है इसको उल्टा बना लेंगे और इसके इधर उधर ही हमने फंदा बढ़ाना है। एक बार हमने ग्रीन कलर में बढ़ाना है और एक बार हमने पिंक कलर में बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से, अब सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। सीधी साइड से भी ये उल्टे उल्टे बनाते हुए बीच में हम आपको दिखाऊंगी जो डिजाइन है ये, तो ये इस तरह से आप उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एक दो तीन गांठें आ गई हैं, अब हमारी ये चौथी गांठ भी आ जाएगी इधर से। ये देखिए एक फंदा उल्टा बनाया, फिर ग्रीन वाला उल्टा बनाया, फिर पिंक वाला बनाएंगे उल्टा, फिर ग्रीन वाला बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बीच में हमारा एक फंदा सीधा है तो इसको सीधा बना लेंगे, फिर ग्रीन बनाएंगे इस तरह से। जो फंदा हमें जिस कलर का दिखता है वैसे ही उल्टा बनाते हुए हम बना लेंगे इस तरह से, फिर ग्रीन बनाएंगे। अगली बार से हमारे ये जो डिजाइन है ये हमारा ऑफ हो जाएगा, दूसरा वाला डिजाइन जो है, तीसरा हमारा शुरू हो चुका है। तो मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, पहला हमारा यहाँ पे हो चुका था। अब ये देखिए एक दो तीन और ये चार, चार गांठें हमारी यहाँ पे बन गई हैं। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा डिजाइन जो है वो शुरू हो गया है, ये वाला देखिए इस तरह से, और ये वाला हमारा अब की बार ऑफ हो जाएगा जो कि हम उल्टी साइड से करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ये दो डिजाइन बन गए हैं। तो इस तरह से मैं ये पूरी सिलाई बनाते हुए उल्टी साइड से भी ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए ग्रीन वाले, तो मैं बीच में आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से हमने ये जो पिंक कलर का है फंदा है इसको हमने ग्रीन में बनाना है, फिर हमारा एक फंदा ग्रीन है इसको ग्रीन बना लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये देखिए सेकंड डिजाइन जो है वो पूरा हो गया है इस तरह से। अब फिर हम पिंक कलर का फंदा बनाएंगे, फिर हम ये देखिए ग्रीन बना लेंगे, फिर हम ये सीधा फंदा है, इससे पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है तो यहाँ पर हम पिंक कलर में बढ़ाएंगे क्योंकि पिछली बार हमने ग्रीन में बढ़ाया था। फिर एक फंदा उल्टा, फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर हम ग्रीन बनाएंगे, फिर हम पिंक बनाएंगे, फिर से हम ग्रीन बनाएंगे और ये वाला हमने डिजाइन जो है ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम ये फंदा ग्रीन ही बनाएंगे। ये देखिए अब सारे फंदे हम ग्रीन में बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक और ये दो दो डिजाइन जो है वो पूरे कर दिए हैं, तीसरे डिजाइन पर हम आ गए हैं। तो ये देखिए जो फंदा हमें जैसा दिखता है वैसा ही बनाएंगे। तो ये जो हमारा बीच वाला फंदा है एक सीधा फंदा, इसके एक इधर बढ़ाएंगे और एक इधर हम बढ़ाएंगे, दो फंदे हम हर बार बढ़ाते जाएंगे, सिर्फ हमें कलर ही चेंज करना है। एक बार हम पिंक से बढ़ाएंगे और एक बार हम ग्रीन से बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा डिजाइन जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा, इसी तरह से हम बनाते जाएंगे आगे भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आपको पूरा ही बनाएंगे बताएंगे तो ये वीडियो जो है बहुत ही लंबी बन जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है आपको, तो आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो को और आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए
इस तरह से देखते रहिए और बनाते रहिए इसी तरह से जैसे ये मैंने नीचे बनाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी तरह से ये डिजाइन जो है, जो मैंने ये दो डिजाइन बनाए हैं, इसी तरह से मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजाइन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। 8वां डिजाइन जो है इसकी हमारी 2 गांठें आई हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये 7 डिजाइन जो है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 डिजाइन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, तीसरा मेरा यहाँ पे ये देखिए इस तरह से 2 गांठें बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं पूरा कर लेती हूँ, आप भी इसी तरह से बनाते जाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं। तो ये मैं पूरा बनाकर आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद जो ये पंजा है, अंगूठा है, ये बनाना मैं आपको बताऊँगी जो हमने थंब बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैं कंप्लीट करके आपको आगे दिखाऊँगी, आप इसी तरह से बनाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो ये हमारे 7 डिजाइन थे ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो देखिए 7वां हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हमारी ये 4 लाइनें आ गई हैं और 8वां हमारा यहाँ पे ये देखिए यहाँ से शुरू हो चुका है। अब हम आ गए हैं इसके रॉन्ग साइड पर। तो रॉन्ग साइड पर फ्रेंड्स हम अपना जो ये बेसिक कलर था पिंक कलर, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है और अब मैं पूरी सिलाई यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लूँगी। यहाँ पे हम कोई फंदा घटाना या कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, पूरी सिलाई मैं इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने उल्टी सिलाई से पूरी उल्टी उल्टी बना ली है। अब आ गए हम अपने सीधी साइड पे, तो यहाँ से भी मैं पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए और उल्टी साइड से भी पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं वापस से सीधी साइड पे आती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप भी फ्रेंड्स इसी तरह से 2 सिलाइयाँ और बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 सिलाइयाँ जो है वो उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए यहाँ के यहाँ से हमारी एडी बनेगी, तो एडी पर से हमने ये देखिए एक फंदा घटा देना है। तो ये देखिए एक फंदा बनाया, ये 2 और पीछे वाला फंदा उठाएंगे, इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। इस तरह से हम एक फंदा घटा देंगे। अब इसी तरह से उल्टा बनाते बनाते इस पूरी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लेना है और उस साइड से भी जब हम उल्टी साइड आएंगे तो एक फंदा उधर से भी हमने घटा देना है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स आ गए हम अपनी रॉन्ग साइड पर, तो यहाँ से भी हमने एक फंदा घटाना है। तो देखिए 2 फंदे बनाए, पीछे वाला उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो यहाँ से भी हमारा एक फंदा घट गया है। अब इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों साइडों में एक एक फंदा जो है वो घटा दिया है। अब हम जितने भी हमारे फंदे हैं इनका हम हाफ हाफ कर लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर 38 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और ये 38। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो बीच वाला हिस्सा है ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए, और हमारे 38 फंदे इधर हैं और 38 फंदे हमारे ये हैं। बीच में हमारा जो एक फंदा ये सीधा वाला है, ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा, ये हम कोई भी साइड ले सकते हैं, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम या क्या करेंगे, ये जो हमारा सीधा फंदा वो हम इधर रख लेंगे और इधर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, तो हमारे दोनों साइडों से 39 फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए यहीं से हम टर्न करेंगे, वापस से यहाँ से मुड़ जाएंगे और यहाँ पे अब हमने ये एडी और ये सॉरी ये पंजा और ये हमने अंगूठा बनाना है यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से वापस से टर्न करेंगे और इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, बीच में हम एक फंदा बढ़ा देंगे। तो देखिए इस तरह से उठा लेंगे, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इधर भी हमारे 39 फंदे हो गए हैं। अब पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे घटाया था, तो 2 सिलाइयाँ हमने प्लेन निकाल ली हैं, फिर से हम एक सिलाई और प्लेन निकालेंगे
और उल्टी साइड से भी एक और निकाल लेंगे, दो यानी कि दो सिलाइयाँ और हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद फिर से हम एडी वाली तरफ एक फंदा घटा देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए बीच वाले हिस्से में हम आ गए हैं, वह यहीं से हम यहाँ से टर्न कर लेंगे और उल्टा उल्टा बनाते हुए इस पूरी सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चार सिलाइयाँ बना दी हैं, यानी कि दो हमारी किनारी यहाँ पे आ गई हैं। अब हमने फिर से यहाँ पे एक फंदा घटा देना है। तो देखिए एक फंदा बनाया, ये दो फंदे बनाए, पीछे वाला फंदा उठाएंगे, इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे, तो एक फंदा हमारा यहाँ पे घट जाएगा। अब हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे बीच तक आने तक, और फिर वापस से ही उल्टा बना लेंगे। देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स हम ये देखिए यहाँ से ही मुड़ते जाएंगे, और ये यहाँ पे जैसे हमने ये चार सिलाइयाँ बनाई हैं ये घटाने के बाद, इसी तरह से हम ये चार सिलाइयाँ और बना लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से बनाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चार सिलाइयाँ निकाल ली हैं, यहाँ पे हमने फंदा घटाया था, अब हम यहाँ पे भी फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए एक फंदा बनाया, ये दो, पीछे वाला उठाएंगे और इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। बाकी हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे, और जब हम उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम पंजे का भी घटाएंगे। तो ये देखिए बनाते हुए हम आ गए हैं अपने उल्टी साइड पे। तो यहाँ से हम ये चार फंदे घटाएंगे फ्रेंड्स। देखिए एक फंदा बनाया, ये दो, पीछे वाला उठाया, इस तरह से इसके ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदा घट गया, ये दो, तीन और ये चार। तो देखिए फ्रेंड्स हमने चार फंदे घटा दिए हैं, ये देखिए जो कि हमारा अंदर की साइड है जहाँ पे हमारा पंजा बनेगा। अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने चार फंदे घटा दिए हैं, और यहाँ पे भी हमने एक फंदा घटा दिया था। अब हम यहाँ पे जो है छः सिलाइयाँ बनाएंगे। ये जैसे हमने किनारी बनाई है, ये हम तीन किनारी और बना लेंगे। अब देखिए एक, दो और तीन फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। अब इसी तरह से हम ये दो लाइनें बना लेंगे यहाँ पे, जैसे हमने ही बनाई थी। टोटल की हमने छः सिलाइयाँ बनानी हैं, लेकिन हम चार सिलाई पे एक फंदा और घटाएंगे। यहाँ पे हमने चार फंदे घटा देने हैं, एडी की तरफ हम यहाँ पे चार फंदे घटाएंगे, तीन हमने घटा दिए हैं, यहाँ पे चौथा और घटाएंगे। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये दो किनारियाँ हम बना लेते हैं, यानी कि चार सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप इसी तरह से बनाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक फंदा घटा दिया था, तो चार सिलाई हमने बना दी है। अब फिर से हम यहाँ पे एक फंदा घटा देंगे। तो ये देखिए दो फंदे बनाए, पीछे वाला फंदा उठा के इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। तो अब हमारे इधर से चार फंदे हो चुके हैं, जो हमारे चार फंदे घटे हैं एडी की साइड से। देखिए यहाँ से हमारे चार फंदे घट गए हैं। अब इसी तरह से फ्रेंड्स हम दो सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लेते हैं ऊपर, फिर बताऊँगी आगे। ये दो सिलाइयाँ और मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने दो लाइनें भी यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। देखिए यहाँ पे हमने फंदा घटाया था, तो देखिए यहाँ पे भी हमारी जो हमने यहाँ पे चार फंदे घटाए थे, उसके बाद हमने एक, दो, तीन और ये चौथी हमारी किनारी जो बन रही है, ये देखिए दो, चार, दो, छः और ये सातवीं सिलाई हमारी बन चुकी है। अब आज इसके रॉन्ग साइड पे अब हमने ये सारे फंदे बंद करने हैं। तो देखिए इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे सारे फंदे, इस तरह से बनाते जाएंगे, फंदा बनाएंगे, पीछे वाला उठा के इसके ऊपर से इस तरह से गिराते जाएंगे। इस तरह से सारे फंदे हमारे ये बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी सारे फंदे जो है वो बंद कर लीजिए, मैं भी ये कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। देखिए इस तरह से बंद कर लीजिए आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक हिस्सा जो है वो बना दिया है। ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा एक हिस्सा। अब ये दूसरा हिस्सा जो है फ्रेंड्स, जो मैंने ये हिस्सा बनाया है, सेम इसी तरह से हम ये दूसरा हिस्सा भी बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, आप भी जैसे ये हिस्सा बताया है मैंने वैसे ही आप बना लीजिए। तो मैं ये बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों हिस्सों को बराबर बराबर बना लिया है इस तरह से। तो हमारी सॉक जो है वो पूरी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे इसको, और फिर हम इसके बाद ये देखिए इसको हम इस तरह से लेंगे,
ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ से सिलते हुए इस तरह से यहाँ तक, फिर यहाँ से और यहाँ तक सिलाई कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा अंगूठा और ये पंजा बन जाएगा। फिर इसके बाद हम जो हमारा ये बचेगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई जो है वो कर लेंगे। तो ये सिलाई मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये दोनों सॉक्स जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारे से हमारे ये सॉक्स बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप अपने लिए ज़रूर बना लीजिए। बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही प्यारी सी हमारी ये सॉक्स बनते हैं, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरी बनाई हुई सॉक्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।